वेलकम टू सिया वाइब्स माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करेंगे किस टाइप की हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए और क्यों और जो कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है तो अगर आपने नहीं देखा है पहले ये वाला वीडियो देखिए जिसमें हमने डिस्कस किया था इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम आपको अपना कवर टर्म क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड अमाउंट और राइडर्स जो जो आपको चाहिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है लेकिन इसके साथ साथ कुछ और टिप्स है जो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं और आपको इन सब पॉइंट पे भी ध्यान देना है तो आप इंडिया में की जाने वाली गलतियों को मत कीजिए पहली चीज कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही लीजिए क्योंकि रियल पर्पस ऑफ इंश्योरेंस सही है लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों जाना चाहिए टर्म इंश्योरेंस में बाकी पॉलिसीज क्या है क्यों नहीं लेनी चाहिए तो मैं एक बार आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ क्या क्या पॉलिसीज है और हमें क्यों टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ब्रॉडली तीन ही तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है एक होता है टर्म प्लान एक होता है इंडोमेंट पॉलिसी और एक होता है यूलेप तो राम का एग्जाम्पल लेकर ही समझते हैं इस पर्टिकुलर केस में उसको एक छोटा सा प्रीमियम भरना होगा महीने के दो से तीन हजार रूपए जिसके लिए वो लगभग एक करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर कर सकता है अगर वो हेल्दी है नॉन एल्कोहलिक है एंड जो लगभग पच्चीस से तीस साल के टर्म के लिए वो इंश्योर कर सकता है अब इसमें क्या होगा अगर इस पच्चीस या तीस साल जो भी टर्म है उसमें अगर राम को कुछ होता है तो वो एक करोड़ का कवर उसकी फैमिली को मिल जाएगा लेकिन अगर इस टाइम में राम को कुछ नहीं होता तो टाइम खत्म होने के बाद वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी अब एंडोमेंट पॉलिसी की बात करें तो अगर यहाँ पे राम साल के एक लाख रुपए भरता है 20 साल तक यानी 20 लाख रुपए वो भर रहा है उस पे उसको 6-7% तक ही एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका कवर जो होगा वो 20 लाख होगा जिस इंटरेस्ट लगा के लगभग 35 टू तो 40 लाख बन जाएगा तो यहां पे वो हर साल एक लाख रुपए लगा रहा है फिर भी उसका कवर एक करोड़ तक नहीं पहुंच पा रहा तो इसलिए इनमेंट पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है इससे अच्छा ये है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस लो और बाकी पैसा अपना म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो अब जो तीसरी तरह की पॉलिसी आई है जो है यूलिप जो है यूनिट लेंथ इंश्योरेंस प्लान जो एक तरह से कॉम्बिनेशन है आपके इन्वेस्टमेंट का और इंश्योरेंस का इसमें भी हम आपको बोलेंगे की आप ये ना चूज करके टर्म इंश्योरेंस चूज कीजिए इसके रीजन ये है यूलिप भी म्यूचुअल फंड की तरह मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके रिटर्न्स भी उतने ही हो सकते हैं लेकिन पहली चीज उसमें अगेन मार्केट रिस्क आ जाता है दूसरी चीज इतने सारे चार्जेस है ना यूलिप के कि आप रादर देन यूलिप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए तो बेटर रहेगा तो इसके लिए आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट रखिए और अपना एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस लीजिए किसके लिए ओनली फॉर अर्निंग मेंबर्स दूसरी चीज इस तरफ अर्निंग मेंबर्स के लिए है जिनके ऊपर डिपेंडेंस है तो सबको लेने की जरूरत नहीं है तीसरी चीज जो इंडिया में बहुत ज्यादा होता है कि अंडर इंश्योरेंस मतलब कुछ लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कवर नहीं लेते हैं या ओवर इंश्योरेंस तो इंडिया में देखा गया है कि ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट या ब्रोकर्स के थ्रू ही ली जाती है तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं एक कोई इंसान डॉक्यूमेंटेशन करने में कंफर्टेबल नहीं है उनको एजेंट की जरूरत है इन दैट केस इट इज फाइन लेकिन आप ऑनलाइन पॉलिसी लेकर काफी ज्यादा पैसा बचा सकते हो क्योंकि वो जो एजेंट का कमीशन होता है वो वाला अमाउंट नहीं लगेगा और आपके लिए प्रीमियम और भी कम हो जाएगा गलती से भी अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन गलत मत भरना एजेंट बोलेंगे कोई बात नहीं विल फिल समथिंग आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिकल टेस्ट करवा के प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही भरो क्योंकि कल को क्लेम करते टाइम इंश्योरेंस कंपनीस कोशिश करती है बाहर न ढूंढने की कि ये चीज़ थी बताई नहीं और उससे आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है तो इसलिए आप अपना प्रॉपर मेडिकल टेस्ट लेकर करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही भरें तो आप जितनी कम एज में इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे आपको उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ेगा और हमें नहीं पता टाइम के साथ साथ प्रीमियम अमाउंट कितना बढ़ सकता है एंड ऑल्सो यू डोंट नो वेन इंश्योरेंस पॉलिसी माइट बी रिक्वायर्ड तो इसलिए जब भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो आप अर्न करना शुरू कर चुके हो तो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम पर ना भरने से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है तो आप या तो कोई ऑटो डेबिट सिस्टम लगा दीजिए या फिर अगर आपका कोई एजेंट है वो आपको रिमाइंड करवाएगा लेकिन किसी भी तरीके से आपको इंश्योर करना है कि प्रीमियम टाइम पे भरा जाए पॉलिसी लेने के पंद्रह दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से क्योंकि वो आपका फ्री लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस पॉलिसी के साथ जाना है या नहीं जाना और सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो कुछ एजेंट्स कोशिश करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना पहुंचे उस टाइम में लेकिन आप उस चीज़ का ध्यान रखिए इंश्योर कीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स टाइम पे मिल जाएं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको उसके साथ साथ हमने जैसे कैलकुलेशन की थी इसमें फॉर कवर ये चीज़ आपको हर दो तीन साल के टाइम पीरियड पे करते रहना चाहिए क्योंकि आपकी जरूरत बदल सकती है खर्चे बढ़ सकते हैं घट सकते हैं आपके पास पैसा इकट्ठा हो सकता है किसी और सोर्स से तो उसके हिसाब से आपको कवर अपना बढ़ाना या घटाने की जरूरत पड़े तो वो चीज़ के लिए भी आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए तो पहली चीज़ आपको खुद ही कैलकुलेशन करता रहना है दूसरी आप जब पॉलिसी ले रहे हो अपने इंश्योरेंस से ये बात करके रखिए आप पता कीजिए कि, कि किस तरीके से आप अपना कवर कम या ज़्यादा कर सकते हो तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग बस एक बार करके नहीं छोड़ते हमें कॉन्टीन्यूसली अपने फस को मैनेज करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी प्लानिंग चेंज करते रहते हैं एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में उसको कैसे क्लेम करते हैं इस बारे में अपने फैमिली मेंबर से शेयर करना मत भूलेगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग